शहर के न्यू वीआईपी रोड खोड़ियानगर चौरास्ते के पास रोड की कही जाती विकासलक्षी कामगिरी की बदौलत आज भी दो मिक्सर मशीन की गाड़ी रोड के बीचों बीच फंस जाते हुए कॉरपोरेशन तंत्र के कामगिरी की पोल खुली है। वडोदरा शहर में एक और स्मार्ट सिटी और विकास कार्य की गुलबांगे पुकारी जा रही है, तो वही हर रोज शहरी विविध विस्तारों से रोड की कही जाती पक्की कामगिरी के पोल खुलते हुए वाहन तथा गाड़ी रोड के बीचों बीच फंस जाने की वारदातें प्रकाश में आ रही है। शहर के न्यू वीआईपी रोड खोड़ियानगर चौरास्ते के पास आए हुए पंचम इलाइट के पास आज एक ट्रक फंसता हुआ नजर आया था, जहां खोड़ियानगर से हाईवे को जोड़ते वैसे मुख्य रोड वैकुंडो के पास खोड़ियानगर चौरास्ते के पास स्लैब भरने के दो मिक्सर मशीन की गाड़ी वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कहे जाते पक्के रोड कामगिरी की बदौलत रोड के बीचों बीच फंस पड़ी थी। जहां कच्ची कामगिरी को उजागर करते हुए रोड के बीचों बीच फंस पड़ी ये गाड़ी के कारण यहां पर ट्रैफिक जाम के दृश्य भी घटित हुए थे, जिस अंतर्गत शिवसेना के कार्यकर वैसे तेजस ब्रह्मभट ने तंत्र पर तीखे प्रहार किए थे। कागड़पन्नी स्मार्ट सिटी वडोदरा शहर नो पूर्व विस्तार छे। खोड़ियानगर चार रस्ता पास इलाइट करीने जे एपार्टमेंट छे त्यां गड़ी रोडनी कामगिरी चालू छे, परंतु कॉन्ट्राक्टरोनी साथे मिली भगतना कारणे कॉर्पोरेशनना भ्रष्ट अधिकारीओना पापे ઘણીવાર રોડના કામમાં બરાબર કામ નથી થતું, જેના કારણે આવી રીતે વાહનો ફસાય છે। બે દિવસ પહેલા જ પીડાઉડાના મકાન પાસે એક આઈસર ટેમ્પો આવી જ રીતે રોડની અધૂરી કામગીરીના કારણે ફસાયો હતો, અને આજે આજવા સરદાર એસ્ટેટ પાસેની જગ્યાએ પણ એકવાર ટેમ્પો ફસાયો હતો, અને આજે ખોડિયાનગર ચાર રસ્તા પાસે ઇલાઇટ હાઇટ છે ત્યાં ઘડી આ ટેમ્પો મોટો ટ્રક ફસાયો છે, જેના કારણે વિસ્તારના લોકો તકલીફમાં આવી રહ્યા છે। કોર્પોરેશનના અધિકારીઓએ આવી કામગીરીઓ પર ધ્યાન આપવાની જરૂર છે।